के कबाड़ की नीलामी की गई। नीलामी प्रक्रिया को अधिकारियों की मौजूदगी में अंजाम दिया गया। थाना कोतवाली में दाखिल 391 CRPC की दोपहिया और चार पहिया लावारिस वाहनों की नीलामी प्रक्रिया को अंजाम दिया गया है। नीलामी प्रक्रिया के लिए थाने पर बीते दिनों से कार्य योजना तैयार कर ली गई थी। नीलामी प्रक्रिया में एक दर्जन से अधिक प्रतिभाग करने वाले लोगों ने बोली लगाई है। नीलामी प्रक्रिया को उच्च अधिकारियों की मौजूदगी में अंजाम दिया गया है। लाख रुपए से शुरू हुई नीलामी प्रक्रिया आखिरकार अंत में 8,71,000 पर जाकर समाप्त हुई और अंतिम बोली 8,71,000 रुपए की शमशाबाद निवासी कबाड़ खरीदने वाले चांद ने लगाई थी, जिसको अंतिम बोली के रूप में स्वीकार करते हुए दाखिल 391 CRPC दो पहिया चार पहिया वाहनों के लावारिस कबाड़ को चांद के सुपुर्द किया गया है। देखिए, जितने भी हमारे थाना हाजा पर माल हमारे यहाँ रखे जाते हैं, ये माल चार कैटेगरी में डिवाइड कर लिए जाते हैं। सामान्य तौर पर कुछ मुकदमों से संबंधित होते हैं, जिनको हम माल मुकदमाती कहते हैं। कुछ कुर्की के दौरान जो कुर्क करके संपत्ति हमारे यहाँ थानों पर रखी होती है, उसे माल कुर्की कहते हैं। इसी तरह से कुछ लावारिस और कुछ लादावा, जिनके दावेदार कोई नहीं मिलते हैं, तरह चार कैटेगरी हमारे यहाँ जो मालों की थी। इस प्रकार जो कुल मालों की अभी छटनी की गई, जिसमें 391 माल थाना कोतवाली क्षेत्र में मिले और इन 391 मालों का आज नीलामी कराया गया, ऑक्शन कराया गया। इस ऑक्शन में 8,71,000 कुल धनराशि बोली की लगी है, जिस पर ये माल नीलामी कराया गया है, जिससे कि थाना परिसर की साफ सफाई भी हो सके और जो मालों के अन्य मालों के रखरखाव है उनको और व्यवस्थित किया जा सके।